ममता दीदी। अरे छोरी। जी दादी। मैं कथा का पाठ पढ़ रही हूँ, आ बैठ के सुन ले। दादी मैं। हाँ छोरी, पाठ पढ़ने वाले को जितना पुण्य मिले है ना, उतना सुनने वाले को भी मिले है। आ बैठ। अरे क्या भैया, हर जगह हाथ पकड़ के मेरे को ले आते हो, क्यों लाए हो यहाँ पे? गिल्ली डंडा खेलने आए हैं। सच्ची? इतने सालों बाद कहाँ है गिल्ली डंडा? अखाड़े में क्यों आवे छोटे, बता। कुश्ती लड़ने आए हैं। अपना घर बार सब कुछ खो चुकी रेणुका अपने पति के साथ नाव में सफर कर रही थी। मन में शिवजी का जाप चल रहा था, अचानक जोर का तूफान आया। आजा। अरे भाई, तेरी जगह पैरों में ना है। अरे दिल में, दिल में। भाई लक्ष्मण जी की नजर राम जी के चरणों पर ही होनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो आपके पैर उठा के अपने सर पे रख लूं मैं। अरे छोटे, अरे अरे छोटे। ए छोरी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बराबर ध्यान लगा के सुन। जी दादी। लगता है तेरा ध्यान ही आना है। जा मुझे मेरा पाठ पढ़ने दे। जी दादी। ये क्या था गुरुजी? प्रकृति का खेल। मतलब? जब एक नाग दूसरे नाग को अपनी आधी जान दे देता है तो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है, परंतु यहाँ एक नई कहानी शुरू हो गई है। साझा प्रत्यार्पण विधि के बाद इच्छा की जान ही नहीं बल्कि जज्बात भी बब्बल से जुड़ गए हैं। मतलब एक हंसेगा तो दूसरा हंसेगा, एक रोएगा तो दूसरा रोएगा। लेकिन नागों में तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा ना, ये प्रकृति का खेल है। जिस तरह प्रकृति ने नागों और इंसानों की दुनिया अलग अलग बनाई है, उनके नियम भी अलग बनाए। पर ऐसे में तो इच्छा और बब्बल दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। हर चमत्कार की एक कीमत चुकानी पड़ती है, समझ लो बब्बल और इच्छा वो ही चुका रहे हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ना छोरी ना, आज तो कह रही है कि मदद करा लो, कल को तू बोलेगी कि रसोई में काम करा लो, और परसों तू बोलेगी कि कपड़े और बर्तन धुलवा लो, और तरसों सब हमको बोलेंगे कि मेहमान से काम करा लिया। अरे ना छोरी ना, तुम ना बस गप्पे सेको और मैं ना अपनी रोटियां। अच्छा बता, किस काम से आई थी पिया? मैं ये बताने आई हूँ कि आपका घर बहुत प्यारा है। हाँ हाँ सो तो है, और घर वाले बहुत प्यारे। अच्छा ममता कह रही थी कि कुछ दिन पहले आपके घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है जो मेरा बब्बल बच गया। ईश्वर की कृपा से पहले सोचिए कि किसी की साजिश हो सकती है या किसी की लापरवाही। देखिए ना, बात छोटी सी है, अगर अप्पू घर में पटाखे फोड़ता ही नहीं तो बब्बल जी के साथ ये हादसा होता ही नहीं। देखिए, जानबूझकर तो कोई अपनों के साथ ऐसा कुछ करता है नहीं, पर जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए ना। आई एम श्योर कि ममता एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है, लेकिन एक अच्छी माँ? देखिए ना, अब वो कितना शरारती है, किसी की बात नहीं सुनता।
अगर ममता उसे थोड़ा सा कंट्रोल करे, थोड़े से अच्छे संस्कार दे, तो ये सारे हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ना, ममता की बेटी की वजह से आपके बेटे की जान खतरे में पड़ गई। बताओ। मैं अभी आई। सुनिए जी, अब ये जाके अपने पोते को डांटेगी। ये देखकर ममता भड़केगी और वो अपने सास से भिड़ेगी। जिस घर ने आज तक झगड़ा नहीं देखा, वो आज सास बहू का झगड़ा देखेगा। सुनिए। सुनाइए। सबको बुलाइए, मुझे बात करनी है। सबको बुलाने की क्या जरूरत है, हम तो बैठे हैं यहाँ। कसम है अखाड़े की, आपकी एक एक बात दिलो जान से सुनेंगे। हाय हाय, आज तो रोमांटिक हो रहे हो, कल को प्यार करोगे और परसों प्रबल सबल बबल का भाई लाने की सोचोगे। आप तो सख्या कर रहे हो। बंद बंद, बातें ठोकना बंद कर। सबल बबल माल जल्दी से दे रहा हूँ, जल्दी आओ। ये हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, आप लोगों के साथ ही बातें ठोकना चाहती है। चंचल को बातें ठोकनी है, यानी कोई जरूरी बात ना होगी। माँ जी, जरूरी है, जरा सुनिए तो। बोल ये बात। अब फैलेगा सहर, एक दो। देखिए अम्मा जी, दिवाली के दिन हमने इस अप्पू को समझाया था कि पटाखे नहीं फोड़ेगा, लेकिन फिर भी इसने हमारी एक ना मानी और पटाखे चुराए और इसने फोड़े। अप्पू, बड़ों की बात नहीं मानना सबसे बड़ी गलती है। सॉरी मम्मी। चलो चलो, ये तो बच्चा है, लेकिन ये काम ना किसी बड़े आदमी का है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, इतने सारे पटाखे के ढेर में वो खतरनाक वाला बम किसने रखा, बताओ? अरे बातें बंद करो, पहले ये तो पता कर लो कि वो बम रखा किसने था। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ओए ओए, कितनी गहरी और नई बात कही है तूने। रे मेरे एक्शन रिप्ले, तू बाहर जा, थोड़ी ताजा हवा का, कान खुलेंगे तो बात तो ठीक से सुनाई देंगी। अरे पिताजी, चिल्लाने की क्या जरूरत है इसमें, हैं? वैसे सुन लेता मैं। गलती हो गई भाई, गलती हो गई हमसे। अम्मा जी, इस नन्ही सी जान को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? इस घर की खुशियां तो इस बच्चे से ही जुड़ी हुई है ना। एक मिनट भाई, मेरे मन में एक सवाल आया। बोल 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 बोल। अरे एक मिनट, मुझे बोलने तो दो। बोल, क्या बात है? क्या बोलना था मुझे? मैं बताता हूँ, रुक जा। अभी क्या बोलना? अरे रुक जा, रहने दीजिए, रहने। अपनी लाल किताब निकाल के देखना। सोचने वाली बात तो है, इतना बड़ा बम रखा किसने? हाँ दादी, वो पटाखे वाला बम तो नहीं था, और अगर पटाखे वाला बम नहीं था तो वो इस घर में आया कैसे? मेरा ये दांव भी खाली गया, कुछ और सोचना होगा। बम से भी बड़ा जो सीधा चांद पर बना है। बम किसने रखा होगा? इच्छा, तू मुझे कहाँ लेके जा रही है? अरे वो पटाखों की दुकान ढूंढनी है जहाँ से उस दिन घर में पटाखे आए थे। तो उससे क्या होगा, तू तो जानती है ना जो फटा वो पटाखा नहीं था। अरे मैं जानती हूँ, इसलिए तो हमें इस पटाखों की दुकान तक जाना है और पूछना है कि वो बम उस थैली में डाला गया था या फिर।
ये तो वही आंखें हैं जो उस रात मैंने देखी थी। एक नागिन किसी की आंखें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। ये वो देख वाकू। क्या? वाकू ये वही बंदा है जो दिवाली के दिन घर में घुस आया था। नागों में देव की कृपा है जो अजय में दिख गया। अब यही हमें उस बम के मालिक तक पहुंचाएगा। चल उसका पीछा करते हैं। ये तो गर्दन थोड़ा खाड़ा है। पहलवान परिवार के दुश्मनों का अखाड़ा। इसका मतलब ये है कि दिवाली वाली रात इन्हीं लोगों ने बम रखवाया था हमारे घर पर। उस घर के लोगों को मारने का प्लान था इनका। लेकिन बम और बंदूक से अच्छाई नहीं मरती और बुराई को उसके किए की सजा मिलती ही है। नाग किसी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन जब उन्हें जानबूझकर छेड़ा जाए तो वो किसी के दोस्त भी नहीं रहते। आज इन्होंने इच्छा को छेड़ा है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू। आजा आजा, काम हो गया क्या? जी कुछ साहब। चल निकल। जी। ए, तुम लोग क्या महाभारत सुन रहे हो क्या? कसरत करो। ए मोटू, ही का क्या के मोटापा देख। आज तक इस अखाड़े में कसरत करते वक्त सिर्फ हड्डियां बोलती थी, अरे पायल कहां से बोलने लग गई। ए छोरी, यहां क्या कर रही है? कुछ देने आई हूं। यहां लेन देन नहीं होता है, फैसले होते हैं। फैसले? वही तो कह रही हूँ, सजा देकर फैसला करने आई हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? औरत के हाथ रसोई में रोटी सेकते अच्छे लगते हैं। फैसला वैसला तेरे बस की बात नहीं है। फैसला तो आज होगा। बहुत शौक है ना तुझे बम बनाने का। आज या तेरे ही अखाड़े में धमाका होगा। बम? कौन? कौन है तू? किसने भेजा तुझे यहाँ? अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। तूने जितनी भी गलतियाँ की है ना, आज सबका हिसाब करके जाऊंगी यहाँ से। हाँ हाँ, तो क्या सबूत है तेरे पास कि कौशल्या देवी के घर पे मैंने बम रखवाया था? सबूत तो तूने ही दे दिया अभी यहाँ। मैंने तो कौशल्या जी का नाम भी नहीं लिया। अब बता, वो बम तूने ही रखवाया था ना? हाँ, मैंने रखवाया था। तो क्या उखाड़ लेगी मेरा? चुपचाप मेरे साथ चल और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर ले। ए, सुनो रे, ये वित्तीय वर्ग की लड़की मुझे डरा रही है। ए बलिरा, लड़की का दिमाग दिखाने पे नहीं है, इलाज कर ले इसका। ए! ए! ये क्या कर रही है तू? तू जादू टोना जानती है? हाँ, अगर तू जानती भी होगी तो मैं डरूंगा नहीं। ए सकाराम, फैसला कर दे इस लड़की का। अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानू तो? हाँ, अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानू तो? हाँ?
दुनिया में ऐसी औरत पैदा नहीं हुई जो मुझे डरा सके। औरत ना सही, नागिन से तो तू डरेगा ना। नागिन? आज तक तो मैंने सिर्फ प्यार बांटा है, लेकिन आज तेरी वजह से, तेरी करतूतों की वजह से मुझे अपने रूप में आना पड़ा। अब बता, तेरी मुलाकात किससे करवाऊं? पुलिस से या भगवान से? भगवान नहीं, पुलिस, पुलिस, पुलिस थी, पुलिस। और सुन, अगर इसके बारे में तूने किसी को बताया तो सीधे भगवान, 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 नहीं, 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 भगवान के पास नहीं, पुलिस, पुलिस, पुलिस। पांच, दस, पंद्रह। पिताजी, पांच का पहाड़ा पड़ रहे हो? सामान गिर जाएगा। पांच का पहाड़ा पड़ रहे दादी, 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 मुझे अपने पैर दे दो। दादी, कर रहा है, दादी, एक कर रहा है, पैर दे दो अपने। अरे क्या कर रहा है तू, छोड़। ए छोरा, तू क्या बोल रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पश्चाताप कर रहा हूँ दादी, बस अपना पैर दे दो, अपना पैर दे दो, बस। छोरा, तू क्या बोल रहा है? हमारी तेरी एक भी बात समझ में ना आ रही है। अरे दादी, मैं समझ गया, ये जो शोले फिल्म में जो गब्बर था ना, उसका छोटा भाई लग रहा है मने। वो कैसे छोटे? अरे आप समझे ना भाई, कैसे वो गब्बर ठाकुर को कह रहा था, ये हाथ मुझे दे ठाकुर, वैसे ये कह रहा दादी को, ये पैर मने दे दादी। अरे चुप करो, जो ये बोलने आए इसे बोलने तो दो, क्यों चाहिए मेरे पैर तुझे? दादी, मुझे आपके पैर नहीं चाहिए, माफी चाहिए आपकी। अरे दादी के बनिया है जो टॉफी देगी। अरे टॉफी नहीं भाई, माफी चाहिए। अच्छा अच्छा, कॉफी, कॉफी। अरे ममता, एक कॉफी ला दे। अरे बावले, ना वो कॉफी कह रहा है ना टॉफी कह रहा है, वो माफी कह रहा है। माफी क्यों चाहिए तुझे माफी? ओ दादी, आपके घर में जो बम फटा था ना, हाँ, वो मैंने रखा था। हट जाओ पीछे, चूरन की तरह मसल के रख दूंगा तुझे। अरे रुक जा, खड़ा रुक जा। इतना कुछ करने के बाद तुमसे माफी मांग रहा है? तू हमारी जान को लेना चाहता है? तेरी वजह से हमारे अप्पू के साथ तेरी तो इस घर में मारपीट नहीं होगी। लेकिन दादी, इसके बबल इस घर के संस्कार है, जो भी हाथ जोड़कर इस घर की चौखट पर माफी मांगने आता है, उसे हम अपने गले से लगाते, ना कि उसके ऊपर हाथ उठाते। अरे माँ, कैसी बातें कर रही है ये, इसको सजा ना देंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। अरे, अरे, अरे खड़ा, किसे सजा मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन सजा हम ना देंगे, पुलिस देगी। तू पुलिस को फोन लगा। ना दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, जो भी सजा देंगे भुगत लूंगा। बस आपसे एक विनती है के? आपके शुभचिंतक से कह दो कि मुझे बख्श दे। शुभचिंतक? शुभचिंतक? शुभचिंतक वो क्या है ना, मैं पुलिस का सामना कर सकता हूँ लेकिन उसका नहीं। शुभचिंतक? माँ, शंकर भैया वापस आ गए थे। ना ना, वो कोई नारी थी। नारी? हाँ, लेकिन 100 लड़कों पे भारी थी। दादी, मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ, माफ कर दो। दादी, ये शुभचिंतक क्या हुआ है? अरे बेटे,
जो हमारे बारे में शुभ सोचे वो हमारा शुभ चिंतक। अच्छा हुआ हमारे घर में बम फूटा। ए छोरे, क्या बोल रही है तू? पता तो चला हमारा भी कोई शुभ चिंतक है। हे भगवान, जिस घर में ऐसे नमूने हो उसे तो शुभ चिंतक ही बचा सके। अम्मा जी, पता तो चले ये शुभ चिंतक है कौन। हे नागोमी देव, इस घर की खुशियां यूं ही बनाए रखना। अब अचानक ये शुभ चिंतक कहां से आ गया, जिसने इतने बड़े पहलवान को भीगी बिल्ली बना दिया। कोई है जो इस घर का सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसी ने पहलवान को मार गिराया और वो मुझे भी मार दे रहा है। ढूंढना होगा।